आपको परमेश्वर ने आपके हाथों के कामों के बारे में क्या किया है, आपके शरीर की चंगाई के बारे में, धन के विषय में, आपके पारिवारिक जीवन के बारे में और सब कुछ। आपको परमेश्वर के वचन में जाना चाहिए और ढूंढ कर निकालना है कि परमेश्वर ने सारी बातों के विषय क्या कहा है। इब्रानियों 11 वचन 1, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आइए सब लोग एक साथ कहते हैं, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखिए मरकुस 11 परमेश्वर के जैसे विश्वास में काम करने, उपयोग करने के बारे में बताता है। इब्रानियों 11:1 परमेश्वर के जैसे विश्वास की परिभाषा देता है कि यह विश्वास क्या है। सांसारिक विश्वास और परमेश्वर के जैसे विश्वास में भिन्नता है। सांसारिक विश्वास अलग स्तर पर का है, ये किसी और बात पर आधारित है। आज आप इस कलीसिया में आए और बड़े जल्दी से आप इन कुर्सियों पर बैठ गए जो यहाँ पर तैयार रखी थी। किसी ने कुर्सियों के पैर चेक करके नहीं देखे हैं, किसी ने बैठने के पहले प्रार्थना नहीं की क्योंकि आप में संदेह था कि शायद ये आपको संभाल पाएगी या नहीं। किसी ने कुर्सी की योग्यता पर संदेह नहीं किया कि वजन उठाएगी या नहीं। सब बैठ गए क्योंकि ये सामान्य ज्ञान है कि कुर्सी बैठने के लिए है और वो भार संभाल सकती है। ऐसे भी समय रहा जब ये टूट गई, लोग गिर गए, फिर भी सामान्य समझ है कुर्सियां बैठने के लिए ही है और आप तुरंत उस पर बैठ जाते हैं और इसके विषय में चिंता नहीं करते हैं, इसलिए उस ज्ञान के साथ आप बैठते हैं जैसे सांसारिक विश्वास कहता है। ये कुछ निश्चित तथ्यों पर आधारित होता है, लेकिन हम अलग विश्वास के बारे में कह रहे हैं। हम बाइबल के विश्वास के बारे में कह रहे हैं, परमेश्वर जैसे विश्वास। ये परमेश्वर के वचन पर आधारित है। सांसारिक लोग इस प्रकार का विश्वास नहीं रखते, उनके पास अलग विश्वास है। विश्वासियों के पास परमेश्वर के जैसे विश्वास है। ये उन्हें उद्धार के समय परमेश्वर के द्वारा वरदान के रूप में मिला। ये उनके द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनने से विकसित किया जाता है, परमेश्वर के वचन के अंगीकार करने से विकसित हुआ और ये बढ़ता है और ये बहुत तेजी से बढ़ता चला गया। इसलिए हम परमेश्वर जैसे विश्वास का अध्ययन कर रहे हैं। यही तो परमेश्वर जैसे विश्वास की परिभाषा है। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब थोड़ी देर के लिए इसे देखते हैं क्योंकि विश्वास क्या है, हम इसे समझते हैं। अगर विश्वास इतना महत्वपूर्ण है तो आइए देखते हैं कि ये क्या है और आइए देखते हैं कि ये कैसे अदृश्य चीजों पर अधिकार करता है। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है। हर कोई आशा करता है, कोई शादी करने की आशा करता है, कोई नौकरी की आशा करता है, कोई प्रमोशन की आशा करता है, कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने की आशा करता, कॉलेज में एडमिशन की आशा करता, कोई विदेश में काम या कुछ ऐसे काम की आशा करता है, हर कोई कुछ न कुछ आशा करता है, कोई व्यापार शुरू करने की आशा करता, चाहे जो भी हो, हर एक के पास कुछ आशा है, ठीक है, और आशा अच्छी है। लेकिन आशा में बस एक ही समस्या है, कई बार वहां एक आशा है परंतु आशा केवल सपने के स्वरूप में अस्तित्व में है, दिमाग में। ये एक सपने जैसे है, ये कुछ ऐसे है जैसे विश्वासी कहते हैं, एक दिन मैं अमीर हो जाऊंगा, एक दिन मेरे पास कार होगी, एक दिन मेरे पास घर होगा, एक दिन मैं इसे प्राप्त करूंगा, एक दिन मेरे पास अच्छी आमदनी होगी और कुछ है, जानते हैं। वो बस आशा करते हैं कि एक दिन वो अमीर हो जाएंगे, एक दिन ये बातें हो जाएगी। परंतु अगर उनसे पूछे कि आपके पास कोई शाश्वती है, कि आपके पास कोई प्रमाण है,
कि आपके पास कोई चीज है, चीज यानी शाश्वती, सही है? अगर आप उनसे पूछे, आप कहते हैं कि एक दिन ऐसे हो जाएंगे, क्या आपके पास कोई चीज है इसके विषय में ये ऐसे कहती है कि आपके पास ये चीज होगी? क्या आपके पास कोई शाश्वती है? क्या आपके पास कोई विश्वास है शाश्वती है? क्या आपके पास कोई टाइटल डीड है? क्या आपके पास कुछ पुष्टि की बातें हैं कि आपके पास कुछ और चीज है कि ऐसे ही होगा? हर समय आप पाएंगे कि लोग पूरे तौर से निश्चित नहीं होते कि ऐसे हो। हर एक के पास सपना है, सड़क का भिखारी भी सपना रखता है, जानते हैं? शायद उसे लॉटरी मिल जाएगी, 2 करोड़ की लॉटरी मिल जाएगी, जानते हैं? ये एक सपना है, एक बड़ा सपना, शायद ये हो जाएगा। परंतु अगर आप उनसे पूछे कि आप निश्चित है कि ये मिल जाएगी, मुझे पता नहीं, आशा कर रहा हूं, केवल सपना देख रहा हूं, परंतु अगर आप उससे पूछते हैं क्या कोई यकीन है, क्या कोई आश्वासन है, उसके पास आश्वासन नहीं है। अब बाइबल कहती है विश्वास वो पदार्थ है, मुझे आसान शब्द का उपयोग करना है, विश्वास वो आश्वासन है या आशा की वस्तुओं की शाश्वती है। इसका मतलब है आप विश्वास रखते हैं और आशा के साथ आगे जाने के लिए आश्वासन देते हैं। आशा अच्छी है, लेकिन आशा बेहतर हो जाती है जब उसके साथ शाश्वती होती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहता है कि मेरे पास ये आशा है कि मैं ऐसा हो जाऊंगा, पर मेरे पास ना केवल आशा है पर मेरे पास शाश्वती भी है। मैं निश्चित जानता हूं कि मैं इसे कर सकता हूं, मैं निश्चित जानता हूं कि मैं वहां तक पहुंचूंगा, मैं निश्चित जानता हूं कि ये मेरी मंजिल होगी, मैं जानता हूं मेरे पास आश्वासन है, मुझे पक्का यकीन है, मेरे पास टाइटल डीड है, मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसे ही होगा, मैं आपको बता सकता हूं कि निश्चय ही ये ऐसे ही होगा। अब इस मनुष्य के पास आशा है, ये अद्भुत है। न केवल एक सपना, न केवल एक सपना है जो एक प्रकार का कोई बेकार विचार है, ये न केवल एक सपना है जो किसी जगह पर अस्तित्व में है, ये सपना है जो उस मंजिल तक अगुवाई करता है जब उस व्यक्ति में शाश्वती होती है। वो व्यक्ति निश्चय ही आगे जाएगा उन बातों की ओर जिसकी आशा करता है, या वो मंजिल तक पहुंचेगा। कई साल पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी एक भाई का जिनका नाम था कैनेथ हैगन, और ये वो है जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है विश्वास के संदर्भ में। और जब वो 16 साल के जवान थे, एक प्रकार के असाध्य खून की बीमारी हो गई, हृदय रोग हो गया था और लकवे से पीड़ित थे, वो चल नहीं सकते थे। 16 महीने तक वो बिस्तर पर पड़े रहे, उन्होंने कभी अपना पैर नीचे नहीं रखा। 16 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे, छोड़ दिया गया। डॉक्टर ने कहा उनके साथ कुछ नहीं हो सकता है, वो जीवित नहीं रह सकते, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। और जब वो बिस्तर पर पड़े हुए थे, कैसे तो भी परमेश्वर ने इन वचनों को उनके पास में लाया, मरकुस 11:23-24। मैंने कभी इस विषय में किसी से नहीं सुना जो कहता हो कि मरकुस 11:23-24 उनका पसंदीदा वचन है। उस समय तक मैंने बहुत से लोगों को देखा, जब उनसे पूछे कि पसंदीदा वचन कौन सा है, वे बाइबल में से अन्य वचन देते हैं। हर एक का पसंदीदा वचन होता है, जानते हैं। परंतु बहुत अनोखी बात, इस जवान व्यक्ति के लिए जो बीमार था, बिस्तर पर था, चल नहीं सकता था, उसके लिए यह वचन पसंदीदा वचन था। यही वचन उसके लिए प्रिय वचन बना। वचन जो कहता है, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे लेकिन विश्वास करे कि वो जो कुछ भी कहता है वो हो जाएगा, तो वैसे ही हो जाएगा। इसलिए जब तुम प्रार्थना करो, तुम जो भी चाहो, जब तुम प्रार्थना करो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यही दो वचन है, 23 और 24, मरकुस 11 से। ये उनके पसंदीदा वचन बने क्योंकि वो बिस्तर पर पड़े हुए थे। उन्होंने कहा, उनके पास हमेशा यही आशा थी कि एक दिन वो खड़े होकर चलने लगेंगे, हालांकि डॉक्टर ने आशा छोड़ दी थी और कहा कि इनके लिए कोई आशा नहीं। वो दूसरे लड़कों को ऊपर नीचे दौड़ते खेलते देखते, स्कूल जाते देखते, अच्छा समय बिताते जवान लोगों के साथ, वो आशा रखते थे कि उनके समान बन सकते हैं, कि बाहर जाकर कूदेंगे, खेलेंगे और दौड़ेंगे और खेलेंगे और स्कूल जाएंगे और बहुत कुछ। ये हमेशा उनका सपना था कि एक दिन वो सब कुछ कर पाएंगे। परंतु सपना तो सिर्फ एक सपना था, वो केवल बेकार विचार था, कोई शाश्वती नहीं थी कि ये पूरी तरह से हो जाएगा, जब तक उन्हें मरकुस 11:23-24 नहीं मिला। और जब उन्हें मरकुस 11:23-24 मिल गया और उन्होंने देखना शुरू किया कि ये क्या कहता है, उन्होंने अपने दिल में शाश्वती प्राप्त करना शुरू कर दिया। देखिए, शाश्वती हमारे दिल में ऐसे ही आती है। उन्होंने शाश्वती प्राप्त करना शुरू किया। उन्होंने कहा, अगर यीशु ने कहा जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़,
देखिए, अगर मन में संदेह न करें और विश्वास करते हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा वो हो जाएगा, तो वो उनके लिए हो जाएगा। इसलिए जो कुछ तुम चाहो प्रार्थना करके मांगो और विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। उन्होंने विश्वास किया। वो बीमारी से कहना शुरू करने लगे, जिस पहाड़ का सामना कर रहे थे उससे कहना शुरू किया। उन्होंने इस प्रकार से प्रार्थना करना शुरू कर दी और एक दिन उन्होंने कहा, बाइबल कहती है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया, इसका मतलब विश्वास करो कि तुम्हें पहले प्राप्त हो गया है और तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वो विश्वास करते हैं और प्रतिदिन जो शाश्वती थी बड़ी और बड़ी और बढ़ती गई। इसे देखिए, विश्वास ऐसे कार्य करता है। प्रतिदिन शाश्वती बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती चली गई और एक दिन उन्होंने इस तरह से उन्होंने निर्णय लिया, हाँ मैं विश्वास करता हूं कि मैंने प्राप्त कर लिया। और अगर मैंने प्राप्त कर लिया, उन्होंने कहा, चंगे लोग दिन के समय बिस्तर पर पड़े नहीं रहते हैं, तो मैं इसे प्राप्त करता हूं। इसलिए यीशु के नाम में मैं इस बिस्तर से बाहर निकलता हूं और चलना शुरू करता हूं। 16 महीनों के बाद पहली बार उन्होंने अपना पैर जमीन पर रखा और कहा, जब उनका पैर जमीन पर उन्होंने रखा, उन्हें एक लकड़ी के टुकड़े जैसे महसूस हुआ। वहां कोई एहसास नहीं था, उनके पैरों में कोई महसूसीकरण नहीं था, कोई भी चेतना नहीं थी, कुछ महसूस नहीं कर सकते थे। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम कहते हो तुमको मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम विश्वास करो तो तुम्हें मिलेगा। इसलिए अब जैसे विश्वास करते थे वैसे ही काम करने लगे। इसलिए उन्होंने अपना पैर नीचे उतारा और अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू किया और चलना शुरू किया। कुछ कदम के बाद वो नीचे गिर गए, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा, किसी वस्तु को पकड़ लिया और खड़ा होना शुरू कर दिया। जब वो खड़ा होना शुरू किए गिरने के बाद, उन्होंने कहा कि हजारों सुइयां मेरे पैर में चुभने जैसे लग रही थी। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, परंतु उसी समय बड़ा आनंद भी हुआ, क्योंकि बहुत महीने बाद मैंने कुछ महसूस किया, अपने पैरों में कुछ महसूस किया था। उन्होंने कहा, किसी वस्तु को पकड़कर वो खड़े हुए और खड़े रहने पर जोर देने लगे और ताकत लगाकर वो चलने लगे। उस समय से वो 86 साल की उम्र तक जीवित रहे और उसके बाद वो मर गए। वो चलते, बातें करते, हर जगह प्रचार करते, परमेश्वर के महान काम करते, और वही हैं जिन्होंने इस भाग के विषय बहुतायत से पढ़ाया। और अधिकांश सत्य जो है, जो मैं पढ़ा रहा हूं, वो उन्होंने ही सिखाए हुए हैं, जो उन्होंने अपने अनुभव से सीखे हैं। ये अद्भुत कहानी है। विश्वास के विषय यही सब कुछ है। ये एक ऐसा प्रकटीकरण है कि कैसे विश्वास किसी व्यक्ति को आश्वासन देता है उस आशा की गई वस्तुओं के विषय में। विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय है और विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास दिन प्रतिदिन। विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। रोमियो 10:17 कहता है, यानी विश्वास को शाश्वती देने के लिए आपको प्रभु का वचन लेना चाहिए, क्योंकि वचन में विश्वास है। विश्वास वचन में वास करता है। परमेश्वर ने ऐसे रखा, जैसे कि दूध अपने आप में पोषण रखता है। आप दूध पीते हैं लेकिन पोषण को नहीं देखते हैं और आप उसके विषय नहीं जानते। आप निरंतर अपने बच्चों को दूध देते हैं, ठीक है, और वे ऊंचे और ताकतवर होते हैं क्योंकि दूध का पोषक तत्व कार्य करना शुरू करता है, ठीक है। परमेश्वर के वचन को बाइबल दूध कहती है। परमेश्वर के वचन को बाइबल रोटी के समान कहती है। परमेश्वर के वचन को बाइबल अच्छा भोजन कहती है। इसलिए जैसे दूध में पोषक तत्व शामिल होते हैं तो जो शारीरिक देह को मजबूत बनाते, इसी तरह से परमेश्वर का वचन एक प्रकार से भोजन है, दूध के समान है, अच्छे भोजन जैसे हैं। ये आत्मिक सामर्थ्य प्रदान करता है। इसमें पोषक तत्व होते हैं, इसमें सामर्थ्य है जिसे विश्वास कहते हैं। परमेश्वर ने इसमें इसे रखा, जैसे दूध में पोषण है, जैसे दूध में अच्छे पोषक तत्व है। परमेश्वर का वचन दूध के समान है, इसमें अच्छे पोषक तत्व हैं। ये आपके लिए आवश्यक आत्मिक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, आपको आश्वासन देना शुरू करते हैं, जिसकी आपको आशा की गई वस्तुओं के लिए आवश्यकता है। इसलिए यदि कोई बीमार है तो उसे क्या करना चाहिए? वो आशा कर सकता है। हर कोई आशा करता है। आशा करने के लिए आपको अधिक कोशिश करने की जरूरत नहीं है। जब कोई बिस्तर पर पड़ा बीमार होता है बहुत महीनों तक, वो आशा करते कि चंगे होंगे। कम से कम उन्होंने आशा नहीं छोड़ी है। आशा करते कि वे ठीक हो सकते हैं। वो अपने आप को दौड़ते खेलते हुए देखते हैं। वो आशा करते कि ऐसा होगा, आशा रखते कि ऐसे होगा, ये अच्छा है।
परंतु आशा अकेले कुछ नहीं कर सकती है। आपके साथ परमेश्वर के वचन की शाश्वती होनी चाहिए, विश्वास का चित्र आना चाहिए। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जब आप परमेश्वर के वचन में जाते हैं और परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, परमेश्वर ने क्या कहा, देखिए परमेश्वर ने क्या कहा और ढूंढ कर निकाले कि परमेश्वर आपकी चंगाई और शारीरिक तंदुरुस्ती के बारे में क्या कहता है, और आप उन्हें जोड़ दे ऐसे वचन जैसे कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे अंदर जल को आशीष दूंगा और तुम्हारे मध्य से रोगों को दूर करूंगा, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। ऐसे वचन ले, चंगाई के वचन, उन बातों को जो चंगाई के विषय में कहते हैं, जैसे कि तुम दाम देकर खरीदे गए हो, इसलिए परमेश्वर की महिमा करो, ना केवल अपनी आत्मा से बल्कि शरीर से भी, क्योंकि शरीर के लिए भी कीमत चुकाई गई है। बाइबल कहती है कि तुम्हारी देह परमेश्वर के लिए है और ये परमेश्वर के अधीन है, ये परमेश्वर का निवास स्थान है। इसलिए आप उन वचनों को लेना शुरू कर दें, वचन को लेना शुरू कर दें जो आपके शरीर से और तंदुरुस्ती के संबंध में है, और उसके संबंध में प्रभु की प्रतिज्ञा कहे और शाश्वती को निर्माण करना शुरू करें कि आप इसके साथ चंगे हो जाएंगे। देखिए यही बात है, इसी प्रकार से विश्वास कार्य करता। कैसे चंगाई के लिए आपके पास विश्वास होगा? आप परमेश्वर के वचन को लेना शुरू करें और शाश्वती को निर्माण करना शुरू करें। जो आपके पास आशा है उसको आप शाश्वती देना शुरू कर दे। आप आशा करते हैं परंतु आप केवल आशा करने के साथ इच्छा रखते हैं। आपके पास शाश्वती हो कि ऐसे ही हो जाएगा, आपके पास शाश्वती होनी चाहिए कि आपको मिल जाएगा। जितना ज्यादा आप परमेश्वर का वचन लेते हैं, उसे देखते हैं, उस पर मनन करते हैं और उसमें से खाते जाते हैं, तो आप शाश्वती को दृढ़ और दृढ़ और ताकतवर बनाते चले जाते हैं। और जब आप इसे अधिक सामर्थ्य बनाते हैं तो इस पर काम करते हैं। तो इसी तरह से विश्वास कार्य करता है। विश्वास आशा की वस्तुओं की शाश्वती है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब मैं जानता हूं कि हमारे पास इसके और उसके विषय में आशा है, परंतु क्या आपके पास शाश्वती है? क्या उसका प्रमाण है? क्या आप निश्चित तौर पर जानते हैं कि जो आपने शुरू किया है उसमें सफल होगे? इसलिए शाश्वती की आवश्यकता है। कई बार मैं ऐसी जगह पर जाता हूं जहां पर कुछ लोग शुरुआत करते हैं, हमारे लोग वहां पर व्यापार या कुछ शुरू करते हैं, और मुझे प्रार्थना के लिए बुलाते हैं कि उनका उद्घाटन करूं या उनकी शुरुआत करूं। यह हमेशा बहुत ही अद्भुत बात है कि किसी को कुछ नया शुरुआत करते हुए देखो। मैं हमेशा उनको प्रोत्साहित करता हूं, निश्चित करना चाहता हूं कि न केवल उनके पास शुरुआत ही ना हो परंतु उनके हृदय में शाश्वती हो, हृदय में विश्वास होना चाहिए कि ये बातें कार्य करेगी। जब मैं वहां जाता हूं तो हमेशा निश्चित करता हूं कि कुछ बाइबल के वचनों में से पढूं। एक संदर्भ जो मैं वहां पर कहता हूं वो है व्यवस्था विवरण अध्याय 28, जहां ये कहता है, यहोवा तेरे हाथों के कामों पर आशीष की आज्ञा देगा। जहां ये कहता है, यहोवा तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाएगा। और मैं इन सभी वचनों को पढ़ना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर आपके हाथों के कामों पर आशीष की आज्ञा देगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि संसार श्राप की दशा में पड़ा हुआ है आदम के पतन के बाद। कई बार कार्य बहुत ही कठिन हो जाते हैं, कई बार पैसा कमाना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि जैसे उत्पन्न करना चाहिए वैसे उत्पन्न नहीं करता, जमीन से जैसे उपज मिलनी चाहिए वैसे उपज नहीं मिलती है, तकलीफ देती है, बहुत सारी रुकावटें होती है, कभी कीड़े आकर सब कुछ खा जाते हैं या कभी बाढ़ आती है और सब कुछ नाश हो जाता है, कई बार पानी नहीं होता है इसलिए कुछ भी उत्पन्न नहीं होता और बहुत सी तकलीफें होती है। ये श्राप का परिणाम है जो मनुष्य के पतन के कारण आया हुआ था। इसलिए जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी और उसके बच्चों को, उसने कहा ठीक है, तुम जिस संसार में जीते हो वो श्राप के अधीन है, जब से आदम ने पूरे संसार को श्राप में गिराया, लेकिन मैं आशीष की आज्ञा देता हूं, इसका मतलब है हालांकि इस संसार में श्राप का प्रभाव तो है, लेकिन मैं आशीष की आज्ञा देने जा रहा हूं जो श्रापों के विरुद्ध में कार्य करेगी, जो काम करता है, जो मेरे आशीष की सामर्थ है, वो तो आदम के द्वारा आए हुए पापों से भी सामर्थी है। इसलिए परमेश्वर ने आशीषों की आज्ञा दी। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे हाथों के कामों पर आशीष की आज्ञा दी है। अगर आप ये विश्वास नहीं करते दोस्तों, तो आप प्रतीति होने तक इंतजार कीजिए, फिर शुरू कीजिए। जानते हैं बहुत से लोग शुरू करते हैं, केवल बस उसकी कोशिश करते हैं, लेकिन सोचता हूं ये अच्छा है कि इसके बारे में निश्चित हो जाए। परमेश्वर ने वास्तव में हमारे हाथों के कामों पर आशीष की आज्ञा दी है क्योंकि उसने इसकी आज्ञा दी है, जो भूमि सामान्य रूप में उपज नहीं देती थी वो अब उपज देगी,
जो व्यापार अभी तक लाभ नहीं देता था वो व्यापार लाभ देगा। और ऐसी कुछ बातें जो मैं शाम की सभा में सिखाते जा रहा हूं, बढ़ती के बारे में, बढ़ोतरी का परमेश्वर, परमेश्वर की व्यवस्था बढ़ोतरी की, परमेश्वर आशीष की घोषणा करने के द्वारा, हमारे हाथों के कामों पर आशीष कहने के द्वारा, आशीषों का उच्चारण करने के द्वारा श्रापों की सामर्थ को खत्म करता है प्रभु, हमारी जमीन पर से, हमारे हाथों के कामों पर से, हर एक कार्य जिसे हम करते हैं, हर एक काम जिसमें हम अपना हाथ रखते हैं वो काम करेगा यीशु के नाम में। परंतु बात यह है, ये सब कुछ विश्वास के द्वारा काम करता है। परमेश्वर कहता मैंने आशीष की आज्ञा दी है, परंतु अधिकांश लोग नहीं जानते कि आशीष की आज्ञा दी है, वो नहीं जानते कैसी कोई बात है, आशीष उनकी ओर से है, वो उसे काम करने पर जोर नहीं देते हैं, वो केवल काम पर जाते हैं बिल्कुल दूसरों की तरह ही, शायद ये काम करे, शायद ये काम नहीं करे, ये बहुत मुश्किल है, जानते हैं, जैसे ये दूसरों के लिए मुश्किल है वैसे मेरे लिए भी मुश्किल है, नहीं ये ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके हाथों के कामों के ऊपर आशीष की आज्ञा दी है। आप इन शब्दों पर विश्वास कीजिए और अपनी दुकान आप इस विश्वास के साथ खोलिए कि प्रभु ने मेरे कामों पर आशीष की आज्ञा दी है, इसलिए व्यापार मेरे लिए काम करेगा, ये बस बढ़ते चले जाएगा, ये मेरे लिए काम करेगा, परमेश्वर की कृपा मुझ पर है, दरवाजे मेरे लिए खुल जाएंगे, वस्तुएं मेरे लिए काम करेगी, लोग मेरे पास आएंगे, और जब मैं जाऊंगा और दरवाजा खटखटाऊंगा ये मेरे लिए खुल जाएगा, वस्तुएं मेरे लिए काम करेगी, क्योंकि परमेश्वर ने आशीष की आज्ञा दी है। देखिए, आपको इसे जानना होगा, आपको जानना होगा कि परमेश्वर ने आपके हाथों के कामों के बारे में क्या किया है, आपके शरीर की चंगाई के बारे में, धन के विषय में, आपके पारिवारिक जीवन के बारे में और सब कुछ। आपको परमेश्वर के वचन में जाना चाहिए और ढूंढ कर निकालना है कि परमेश्वर ने सारी बातों के विषय क्या कहा है। परिवार के बारे में, एक अच्छा परिवार, सुखी परिवार, आप पसंद नहीं करते जिस तरह से अभी है, कैसे आप इसे करते हैं, बाइबल आपके बच्चों के विषय क्या कहती है कि वो कैसे होंगे। कई बार हमने इसे बस पढ़ा है, हम सोचते हैं, जानते हैं, ये बस बाइबल के वचन है, खास करके कविता के जैसे कहते हैं उसी तरह से, और हम केवल पढ़ते हैं और बंद कर देते हैं। परंतु ये सत्य कहते हैं, ये तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं कि तुम्हारे बच्चे ऐसे होंगे। इस तरह आपके बच्चे आशीषित होंगे, हाँ बाइबल ये कहती है। तो क्यों ना आप जाकर बाइबल के वचन ले, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ले जो आपके बच्चों के बारे में दी गई है, इसे ले और अपने बच्चों पर बोलना शुरू कर दे, आज अपने ऊपर बोलना शुरू कर दे, बाइबल आपकी पत्नी के विषय में क्या कहती है कि वो कैसी होगी। हेलो, लेकिन आप बात करते हैं कि वो कैसी है। बाइबल बताती है कि वो कैसी होगी। अब इसका विश्वास का इसमें उपयोग करते चले जाना है। आपको इसे देखना चाहिए, इसका दावा करना चाहिए, यह आपके लिए है। क्यों परमेश्वर ऐसे कहता है, क्यों परमेश्वर कहता है कि आपकी पत्नी कैसी होगी, बच्चे कैसे होंगे, आप कैसे होंगे और आपका व्यापार कैसा होगा, आपके हाथों के काम कैसे होंगे, क्यों परमेश्वर ये सब कुछ कहता है, ताकि कोई इसे प्राप्त कर ले, कोई इस पर खड़ा हो जाए, कोई इस पर विश्वास करने लगे, कोई इस पर दावा करने लगे, कोई तो परमेश्वर उसके वचन को ले लेगा, कोई तो अपने हृदय में शाश्वती और निश्चितता को निर्माण करेगा इन बातों के संबंध में जो परमेश्वर ने उसके लिए कहा है, जैसे परमेश्वर ने कहा है। यह जानबूझकर परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जानबूझकर परमेश्वर ने दी है, ताकि जो कोई इसे ले ले और इसे अपने लिए वो निर्माण करने लग जाए और इस पर खड़े हो। और परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, उसने ये प्रतिज्ञा की है और जो प्रतिज्ञा उसने की उसे वो पूरा कर सकता है। आप ये देखकर चकित हो जाएंगे कि कैसे वो इसे पूरा करता है। मेरे दोस्तों, इसके विषय चिंता ना करें, कैसे पूरा करेगा मैं आपको बताऊं, पूरा करेगा। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि उनको वहां पर मटन चाहिए था, और मूसा नहीं जानता था कि कैसे परमेश्वर उन सबके लिए एक महीने तक मटन का इंतजाम करेगा। केवल उसने हवा को थोड़ा सा घुमाया, बस इतना ही। आप कल्पना करें क्या होगा अगर परमेश्वर इस हवा को आपकी ओर घुमाएगा। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है, ऐसा कुछ अनुभव किया? मैं आपको बताऊं, मैं यहां पर अनुभव के साथ में खड़ा हूं जो मैंने पाए हैं। मैंने इसे समय का अनुभव किया है जब वहां पर सूखा था, लेकिन जब परमेश्वर की कृपा का एहसास हुआ और हवा मेरे पक्ष में मुड़ गई, मैं नहीं जानता था कि वो कहां से आए, लेकिन वो आए। बस यही, मैंने कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने मेरे पक्ष में हवा को मोड़ दिया। परमेश्वर से आपके पक्ष में मोड़ सकता है,
केवल हवा का झोंका मोड़ने के द्वारा ही, बस इतना ही। इसलिए चिंता ना करें कि परमेश्वर इसे कैसे पूरा करेगा। आपका काम और मेरा काम है कि बस विश्वास करें। परमेश्वर का काम इसको पूरा करना है, और इसलिए मैं विश्वास करता हूं आपको परमेश्वर का वचन लेने की जरूरत है, और आपका सपना और आपका सब कुछ जो है वो सामर्थ्य प्राप्त करेगा परमेश्वर के वचन की शाश्वती के साथ, फिर वो सपना हासिल करने वाला हो जाता है। ये केवल सपना नहीं रहता है जब आप केवल सपना देखकर बेकार के विचार नहीं करते, परंतु ये एक हासिल करने वाला लक्ष्य होता है। आप इसे पा सकते हैं, जो कुछ भी इच्छा रखते पा सकते हैं। आमेन। This is the season of jubilee. This is the season of jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of jubilee. Oh, this is the year. Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. This is the season of Jubilee. This is the season of Jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase in victory. Sing that again. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase in victory.